दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सटायरिकल ब्लैक कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसने लास्ट ईयर कांस फिल्म फेस्टिवल में हाईएस्ट अवार्ड पामा डोरे जीता और ऑस्कर नॉमिनेशन भी हासिल किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर आई फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है रॉबिन ऑस्टिन ने। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं हैरिस डिकिंसन, शेल्बी डीन, डॉली डे लियोन, ज़ारको ब्यूरिक, आयरिस बर्बन, विकी बर्लिन, हेनरिक डॉरिंसन, अमेंडा वॉकर और वुडी हैरिसन ने। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस सटायर फिल्म को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म शुरू होती है एक कास्टिंग एजेंसी के वेटिंग रूम में जहां करीब 50 हाफ नेकेड मेल मॉडल्स एक रूम में हैं। फिर फ्रेम आता है द फैशन टीवी प्रोफाइल लुईस टेलर पर, उसके साथ एक कैमरा ऑपरेटर भी है। वो अपना माइक एक मॉडल की तरफ ले जाता है। लुईस उससे पूछता है कि मेल मॉडल होने के क्या पहलू हैं। मॉडल कहता है गुड लुक्स और गुड वॉक। फिर वो एक और मॉडल के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मेल मॉडल बनने में सपोर्ट किया, खासकर तुम्हारे फादर ने, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मेल मॉडल्स को वुमेन के कंपैरिजन में 1/3 पैसा ही मिलता है। मॉडल हाँ में जवाब देता है। अगले ही रूम में एक और मॉडल खड़ा होता है जहां 4 पैनलिस्ट बैठे हैं। वो उसका ऑडिशन लेते हैं। इधर वेटिंग रूम में लुईस की नजर कार्ल नाम के एक मॉडल पर पड़ती है जिसके हाथ में उसका पोर्टफोलियो है। लुईस उससे पूछता है कि क्या ये कास्टिंग एक ग्रंपी ब्रांड के लिए है या स्माइली ब्रांड के लिए। कार्ल को नहीं समझ आता कि वो क्या कह रहा है। लुईस समझाता है कि स्माइली ब्रांड्स दरअसल चीप ब्रांड्स होते हैं और ब्रांड जितना महंगा होता है उतना ही यू लुक डाउन ऑन योर कस्टमर, यानी कि आप उतना ही कंज्यूमर को नीचा दिखाते हैं। लुईस उसको ऐसा ही ग्रंप लुक दिखाने को कहता है। मॉडल थोड़ा हिचकिचाता है। फिर वो बैलेंसियागा पे ग्रंप लुक और H&M पे एक स्माइल दिखाता है। लुईस बाकी मेल मॉडल्स को भी उसके साथ मिलकर यही करने को कहता है। वो काफी बार इसे दोहराते हैं और लुईस इसे स्पीड अप करता है। असिस्टेंट कार्ल को भी उसी रूम में ले जाता है। डिजाइनर उसका पोर्टफोलियो बिना किसी एंथुजियाज्म के देखता है कि तभी उसकी एक फ्रेग्रेंस एड का क्लोजअप उन्हें नजर आता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये कार्ल ही है क्योंकि ये परफ्यूम कैंपेन 3 साल पुराना है। फिर डिजाइनर उसे कहता है कि क्या तुम अपने ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, वो तुम्हारी आईब्रोज के बिल्कुल बीच में है। दरअसल वो उसकी चिंता की रेखाओं के बारे में बात कर रहा है। कार्ल वहां टच करके थोड़ा मुस्कुराता है। कुछ देर बाद उसका ऑडिशन खत्म हो जाता है। कार्ल वहां से चला जाता है और दूसरा मॉडल एंटर करता है। यहां शुरू होता है फिल्म का पार्ट 1, कार्ल एंड याया। एक फैशन शो चल रहा है, माहौल कुछ टेंस है, ऑडियंस पर भी उतनी ही तवज्जो है जितनी मॉडल्स पर। हेडसेट पहने एक लड़की एक कपल के सामने बाव करते हुए कुछ कहती है और वो फौरन अपसेट हो जाते हैं। वो उन्हें वहां से उठा के किसी और को उनकी जगह दे देती है। उनके साथ एक शख्स और होता है जिसकी वजह से वो हेडसेट गर्ल पूरी रो को एक सीट लेफ्ट की तरफ मूव होने को कहती है, जिसकी वजह से लास्ट सीट पर बैठे हुए कार्ल के पास सीट ही नहीं बचती। वो उसे पीछे जाके बैठने को कहती है। शो शुरू होता है। स्क्रीन पे एवरीवन्स इक्वल एंड लव नाउ जैसे मैसेजेस दिखाई देने लगते हैं। यहां पर पहली मॉडल होती है याया। सैकड़ों फोन्स और कैमरास फौरन उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। कार्ल पीछे खड़ा होके उसे देख रहा होता है। सीन कट होके पहुंचता है रेस्टोरेंट में जहां कार्ल और याया डिनर डेट पर हैं। वो खाना खा चुके हैं। कार्ल पिछली कई बार पे कर चुका है और अब वो वेट कर रहा है कि इस बार याया बिल पे करेगी। उसे स्टीरियोटिपिकल मैन नहीं बनना। वेटर टेबल पे बिल रखता है और याया अपने डिफाइंड रोल की वजह से बिल की तरफ देखती तक नहीं है और बजाय इसके अपना मेकअप ठीक करने लगती है। कार्ल इरिटेट हो रहा है। उसे ऐसा फील नहीं करना कि वो अनजेनरस है। याया इस फैक्ट से पूरी तरह अवेयर है, जैसे कि हर लड़की होती है। कार्ल अपने मेल प्राइड के चलते धीरे से टेबल से बिल उठाता है। याया उसे थैंक्स बोलती है पर वो यही सोच रहा है कि अब उसे अपने लिए खड़ा होना होगा
लेकिन उसके कन्विक्शन और उसके एक्शंस में जमीन आसमान का अंतर है। याया समझ जाती है कि वो कुछ सोच रहा है। कार्ल दिखाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, पर याया के इंसिस्ट करने पर वो बता देता है कि जब तुम मुझे ऐसे थैंक यू हनी बोलती हो तो मेरे पास बिल पे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। याया बिल स्प्लिट करने के लिए कहती है, पर कार्ल ये भी नहीं चाहता। बहस काफी देर चलती है। याया को लगा कि कार्ल बिल भरना चाहता है, इसलिए उसने थैंक यू हनी कहा। कार्ल स्पीचलेस है। फिर वो इस बात पे बहस शुरू करते हैं कि याया ने बिल देखा था या नहीं। वो एंड में सेल्फ राइचियस वे में मुस्कुराता है और याया जाने के लिए उठती है, पर कार्ल नहीं चाहता कि वो जाए। रेस्टोरेंट में थोड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। याया पूछती है कि तुम पैसों से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो। कार्ल कहता है, मैं नहीं हूं, ये बस एक ऑब्जर्वेशन थी। याया उससे बिल छीन के अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के वेटर को देती है, जो काफी देर से उनके पास खड़ा था। अब कार्ल नहीं चाहता कि ये बिल याया दे। अब उसे अजीब लग रहा है, क्योंकि वो बस ये चाहता था कि सब कुछ सही हो। याया स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वैल्यूएशन के साथ कहती है, तुम बुरा फील मत करो, मैं वैसे भी तुमसे ज्यादा कमाती हूं। कुछ देर शांत बैठने के बाद पता चलता है कि याया का कार्ड काम नहीं कर रहा। वो दूसरा कार्ड निकालती है, पर वो कार्ड रेस्टोरेंट एक्सेप्ट नहीं करता। वो वॉलेट से कुछ कैश निकालने की कोशिश करती है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, सिर्फ 50 यूरो हैं। तभी कार्ल वेटर को अपना कार्ड दे देता है। कार्ल काफी देर 50 यूरो के टेबल पर पड़े रहने की वजह से इसे याया का कॉन्ट्रीब्यूशन समझ के ब्रेक इवन करने की कोशिश करता है, जो कि बिल का 1/3 ही है। पर जैसे ही बिल पे होता है, याया उसे वापस अपने वॉलेट में रख लेती है। वो कैब में बैठते हैं। कार्ल ग्लैड है कि यह सब खत्म हुआ और उसकी 50 यूरो वाली इरिटेशन भी अब दब चुकी है। कार्ल इस चीज को लेकर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ याया से बात शुरू करता है कि पैसा बहुत टची सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात करना मुश्किल होता है। याया पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर कहती है कि मनी के बारे में बात करना बहुत अनसेक्सी है। कार्ल की बात उसी पे उल्टी पड़ जाती है। उसे लगता है कि पैसा जेंडर रोल से बंधा हुआ है। यहां वो याया की नहीं, वेमेन इन जनरल की बात कर रहा है। वो मानता है कि याया एक जेंडरस पर्सन है, पर यह बात उनके रिलेशनशिप पे लागू नहीं होती। कार्ल के मुताबिक उन्हें इक्वल होना चाहिए, ना कि बाकी कपल्स की तरह एक स्टीरियोटिपिकल जेंडर बेस्ड रोल में बंधे रहना चाहिए। वो होटल की एलिवेटर में पहुंचते हैं, दोनों भीगे हुए हैं और कार्ल कन्फेस करता है कि उसे यह सब करना अच्छा लगता है, बट नाउ ही फील यूज्ड। याया इरिटेट हो जाती है। वो अपने एहसान गिनाना शुरू करती है और कहती है कि वो उसकी एक एक पाई चुका देगी। कार्ल एलिवेटर को ऊपर नहीं जाने देता। वो उसकी इंटेंशन पे सवाल उठाते हुए पूछता है कि तुमने टेबल से 50 यूरो क्यों उठाए। याया आंखों में डेडली लुक लेके वो 50 यूरो निकाल के कार्ल की पॉकेट में डाल देती है। इस पे कार्ल भड़क जाता है और उस नोट को बिल्डिंग और लिफ्ट के बीच में मोड़ के फेंक देता है। याया फिर चिल्लाती है कि तुम मेरे पैसे के साथ क्या कर रहे हो। यह सुन के कार्ल और इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से में अपने रूम में पहुंचता है। वो याया को टेक्स्ट करता है, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो सोने की कोशिश करता है। तभी याया चेयर पर सोने की नाकाम कोशिश करके रूम में आती है। वो एक्सेप्ट करती है कि वो मैनिपुलेट करने में काफी अच्छी है, और इतनी अच्छी है कि उसे रियलाइज भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रही है। वो उससे कहती है, मुझसे कुछ भी पूछो। वो बिल के बारे में पूछता है। याया अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए ये भी कहती है कि वो इससे बिल्कुल एम्बैरेस नहीं है, क्योंकि वो एक मॉडल है और वो एक ही तरह से इस प्रोफेशन से बाहर आ सकती है किसी की ट्रॉफी वाइफ बनके। इसलिए उसका ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसके साथ वो है वो उसका ख्याल रख सकता है या नहीं। कार्ल ने ठान ली है कि वो नजरिया बदल के रहेगा। वो याया को उससे रियल प्यार करने पर मजबूर कर देगा और उसे ये ट्रॉफी वाइफ वाली बात भी भुला देगा। वो प्यार से कार्ल की तरफ देख के मुस्कुराती है और हम पहुंचते हैं फिल्म के दूसरे पार्ट में। ये शुरू होता है एक हेलीकॉप्टर के सीन से, जो क्रूज पर एक पार्सल पहुंचा रहा है, और हम देखते हैं कि उसमें न्यूटेला के 3 जार्स हैं। इधर हम बैकग्राउंड में चीफ स्टूअर्डेस पावला की आवाज सुनते हैं, जो लॉबी में अपने सर्विस स्टाफ को समझा रही है कि यॉट की सक्सेस के मायने 2 ही चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला शुरुआती कुछ घंटे जब गेस्ट क्रूज पर रहते हैं, और दूसरा क्रूज पर उनका आखिरी दिन। चीफ स्टूअर्डेस पावला कहती है कि मैं किसी को किसी चीज के लिए ना करते हुए ना सुनूं। मुझे आखिरी घंटे तक सभी से सिर्फ यस सर यस मैम सुनाई देना चाहिए,
अगर ऐसा हुआ तो सभी को मिलेगी वेरी जेनरस टिप और स्टाफ टेबल पे ड्रम रोल करके मनी मनी चिल्लाते हुए चीयर करते हैं। लोएस्ट डेक पर फिलिपिनो क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। कार्ल और याया यहीं एक रूम में गहरी नींद में सोए हुए हैं जब टॉयलेट मैनेजर एबिगेल उनका दरवाजा नॉक करती है। जब कार्ल की नींद खुलती है और वो उसे बाद में आने के लिए कहता है और इससे याया की नींद भी खुल जाती है। वो सॉरी बोलकर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि याया फॉरवर्ड डेक पर बिकिनी में पोज कर रही है। कार्ल उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। याया पिक्स देखती है और कार्ल की नजर एक बेयर चेस्टेड क्रू मेंबर पर जाती है। उसकी बॉडी रिपीटेड लेबर से नेचुरली टैंड और परफेक्टली चिजल्ड थी। उसकी नजर याया पर जाती है। वो और क्रू मेंबर एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। कार्ल याया को अक्यूजिंग लुक देता है। वो उसी क्रू मेंबर को हेलो बोलती है और कार्ल जेलस हो जाता है। वो उसे ये सब करने से मना करता है क्योंकि अगर वो खुद ऐसा करेगा तो याया को बुरा लगेगा। कुछ देर बाद कार्ल रिसेप्शन डेस्क की बेल बजाता है और वो पावला से उस बेयर चेस्टेड क्रू मेंबर की शिकायत करता है। वो कार्ल से सहमत है कि ये बहुत इनअप्रोप्रिएट है। वो अपनी स्टूअर्डेस एलिसिया से इस मामले को निपटाने को कहती है। इसके बाद पावला कॉरिडोर के एंड में कैप्टन के कैबिन के दरवाजे पर नॉक करती है। कुछ आवाज नहीं आती। वो बस कैप्टन को सेफ्टी ड्रिल के बारे में इन्फॉर्म करने गई थी। कैप्टन आवाज देके बताता है कि उसकी कुछ तबीयत खराब है। वो डॉक्टर बुलाने से भी मना कर देता है और कुछ देर आराम करने को कहता है। लंच टाइम के दौरान एक वेटर डिमिट्री नाम के गेस्ट के टेबल पर न्यूटेला जार रखता है। वो एक रशियन बिलियनर है। वो दो औरतों के साथ बैठा है। ओल्ड वाली का नाम है वेरा और यंग वाली का नाम है लिडमिला। वहीं दूसरी तरफ याया और कार्ल बैठे हैं। याया पास्ता खाने के बजाय कार्ल से अपनी पिक्चर क्लिक करवा रही है और जब वो पिक्चर से सेटिस्फाइड हो जाती है वो प्लेट को पुश कर देती है। डिमिट्री की कंफ्यूजन को देख के याया एक्सप्लेन करती है कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। कार्ल उसकी बातों को संभालने की कोशिश करता है और बताता है कि याया के प्रोफेशन की वजह से उन्हें काफी चीजें फ्री में मिलती हैं, जैसे कि ये क्रूज ट्रिप। यहां से हम अगले टेबल पर पहुंचते हैं और मिलते हैं नए कैरेक्टर से जो हैं एक ओल्ड ब्रिटिश कपल विंस्टन और क्लेमेंटीन, और दूसरी साइड पे है थेरीज जो एक स्ट्रोक की वजह से इम्पेयर्ड है और व्हीलचेयर पर है। क्लेमेंटीन उसे दो बार खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है पर थेरीज जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगती है। कुछ सेकंड बाद थेरीज का हस्बैंड वहां आके थेरीज को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है अब वो स्पीकिंग डिसेबिलिटी से जूझ रही है। वो सिर्फ एक ही चीज बोल पाती है, इंडियन वॉकिन, जिसका जर्मन में मतलब है अप इन द क्लाउड्स। इधर उस शर्टलेस वाले क्रू मेंबर को क्रू से निकाल दिया जाता है। उसी रात डेक पर लोग म्यूजिक और ड्रिंकिंग का मजा ले रहे होते हैं। यहां हम मिलते हैं एक फिनिश बिजनेसमैन यारमो से जो अपने 50s में है। वो अकेला बैठा है। वो बियर के ग्लास पकड़े हुए याया और लुडमिला की तरफ देख रहा है। डिमिट्री कार्ल की तरफ लीन करके कहता है कि देखो वो शिकार करना चाहता है। यारमो हिम्मत करके उन दोनों से पिक्चर लेने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसके साथ एक लड़की आने वाली थी जो नहीं आई। याया कुछ पिक्चर्स लेके उसके फोन वापस करती है। उसे उदास और अकेले देख के सडनली याया का मन एम्पैथी से भर जाता है। याया उसे बुलाती है और अपने और लुडमिला के बीच में पोज करके पिक्चर्स क्लिक करती है। यारमो खुश होकर वापस अपनी जगह बैठ जाता है। ये देख के डिमिट्री और कार्ल के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। यारमो उन्हें जेनरोसिटी दिखाते हुए उनके लिए रोलेक्स वॉचेस खरीदने को कहता है। याया मना करती है लेकिन पावला वापस कैप्टन के कैबिन के बाहर आके फिर से नॉक करती है। उसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं है। पावला बस ये जानना चाहती है कि वो कैप्टन्स डिनर कब रख पाएगा और कब वो यूनिफॉर्म पहन के गेस्ट से मिल पाएगा। वो अभी नहीं आ सकता, पावला कहती है। थर्सडे के अलावा वो कभी भी डिनर रख सकता है क्योंकि थर्सडे को वो एरिया लो प्रेशर जोन में होगा। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता और पावला वहां से चली जाती है। यारमो खुश होके सभी के लिए शैंपेन ऑर्डर करता है लेकिन डिमिट्री वहां से उठ के चला जाता है और लुडमिला को भी अपने साथ ले जाता है। याया कुछ देर यारमो के साथ डांस करने की कोशिश करती है लेकिन वो एम्बेरस्ड फील करता है। फिर याया वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है।
याया को लगता है कि जेलसी की वजह से कार्ल का मूड खराब होगा। वो उसे जगाती है लेकिन वहां सिर्फ ब्लैंकेट में पिलोज भरे होते हैं। कार्ल की आवाज बाथरूम से आती है और वो कहता है, आई एम कार्ल, आई एम द पूल गाय, और मैं कुछ टूल्स लेने आया हूं। याया मुस्कुरा के रिलीफ फील करती है कि कार्ल ने अपनी लॉस्ट मैस्कुलिनिटी को हैंडल करने के लिए ये अनोखी स्ट्रेटजी अपनाई। वो भी खुशी खुशी इस रोल प्लेइंग में कार्ल का साथ देती है। अगले दिन याया फिर से बिकिनी में कार्ल से पिक्चर क्लिक करवाती है। वो सिर्फ उसका फोटोग्राफर बन के रह गया है। ही डजंट इवन फील लाइक अ मेल मॉडल एनीमोर। और उधर लुडमिला भी डिमिट्री से यही करवा रही है। कहीं और डेक पर वेरा जकूजी में बैठी है और स्टुअर्डेस एलिशिया एज पर बैठ के उसका वेट कर रही है। वो अलिशिया को समझाती है कि मरते वक्त लोग एक ही चीज का पछतावा करते हैं कि उन्होंने पॉइंटलेस जॉब्स की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर ली। वो मानती है कि सब इक्वल हैं। वो एक्साइटेड होके एलिशिया से पूछती है कि ऐसा कुछ है जो तुम चाहती हो। एलिशिया मना करती है। वेरा उसे स्विम करने को कहती है पर स्टाफ को वर्किंग आवर्स में यह अलाउड नहीं है। वेरा पूरे स्टाफ को स्विम करने के लिए इंसिस्ट करती है। एलिशिया कैप्टन्स डिनर की वजह से हेजिटेंट है पर वेरा नहीं सुनती क्योंकि वो उनके लिए कुछ करना चाहती है। वेरा एक बेटर आइडिया देके रोल्स रिवर्स करने को कहती है जिससे एलिशिया जकूजी में रिलैक्स करे और वो कैप्टन को बुला लाए। वो उसे मोमेंट एंजॉय करने के लिए कमांड करती है। ना कहने से वो ऑफेंड हो जाती है और एलिशिया हेजिटेट करते करते उसकी बात मान लेती है। वो एक अनकंफर्टेबल स्माइल के साथ जकूजी में एंटर करती है। वो डिमिट्री से अलिशिया के लिए एक शैंपेन का ग्लास मांगती है और हम देखते हैं कि उसे तो अलिशिया का नाम तक नहीं पता था। चीफ स्टुअर्डेस पावला टेंशन में ब्रिज पर आती है जो कि शिप का सबसे ऊपर का पार्ट होता है जहां कैप्टन और शिप को कंट्रोल करने वाले लोग खड़े होते हैं। वो फर्स्ट ऑफिसर डेरियस से गेस्ट को समझाने को कहती है कि स्टाफ स्विमिंग करने नहीं जा सकता। वो उन्हें समझा चुकी है लेकिन वो बस कैप्टन से बात करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। डेरियस के अकॉर्डिंग स्विम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे आसान रास्ता है, लेकिन शेफ खाने की तैयारी शुरू कर चुका है और उसे प्रेप टाइम की जरूरत है। पर डेरियस मना कर देता है कि वो इन क्रेजी रशियन से बात नहीं करेगा और वो एक गेस्ट को ब्रिज दिखाने में बिजी हो जाता है। वो वापस थॉमस के कैबिन का दरवाजा 3 बार नॉक करती है, कोई जवाब नहीं आता। इधर किचन में डिनर की तैयारी करते वक्त इनहाउस फोन रिंग होता है। पता चलता है कि शेफ उनके असिस्टेंट्स को स्विमिंग के लिए बुलाया गया है, भले ही फिर खाना कैसे भी बने। उन्हें वाटर स्लाइड पहुंचना है तो वो जल्दी बाहर निकलते हैं। एक क्रूमैन सभी क्रू क्वार्टर्स का दरवाजा नॉक करके उन्हें डेक पे जाने के लिए कहता है। पावला कैप्टन डिनर की अनाउंसमेंट करती है। डेरियस कैप्टन के दरवाजे पर है और तभी डोर खुलता है। थॉमस ने बाथरोब पहना है। अनाउंसमेंट में पता चलता है कि डिनर टाइम 8 से 8:30 पर शिफ्ट कर दिया गया है। डेरियस उसे स्विमिंग वाली बात बताता है और कैप्टन खुश हो जाता है। अब वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है और अच्छे से बात भी कर रहा है। पूरा क्रू अपने स्विम गियर में रियर डेक पर पहुंच जाता है और एक एक करके वो वाटर स्लाइड में एंटर करते हैं और स्विम करके वापस यॉट के साथ अटैच स्विमिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। वेरा सभी को चीयर करती है। उस शाम मौसम काफी खराब लगता है। तूफान आने के पूरे संकेत नजर आते हैं। कर्टेन्स और शैंडेलियर हिलने लगते हैं। शैंपेन का ग्लास खुद ब खुद रोल होने लगता है। पावला और डेरियस कैप्टन को उसकी पोजीशन पर खड़ा करते हैं। डाइनिंग रूम का दरवाजा खुलता है। यॉट वेव्स की वजह से हिलना शुरू हो जाता है। सभी गेस्ट्स कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर डेरियस से हाथ मिलाने के लिए लाइन से खड़े हो जाते हैं। यार्मो की सीट कैप्टन के टेबल पर है। तभी एक बड़ी लहर यॉट से टकराती है जिससे एक बच्चा रोना शुरू कर देता है। यहां 7-course meal होता है जो कैंटोनीज और स्वीडिश डेलिकेसीज का फ्यूजन है। हर डिश एक साथ एक बारी में बिल्कुल परफेक्ट कोरियोग्राफी के साथ सर्व होती है। एटिकेट की वजह से कोई तूफान के बावजूद टेबल से उठ नहीं रहा। याया कार्ल और ब्रिटिश कपल एक टेबल पर बैठे हैं। विंस्टन अपने हैंड ग्रेनेड के बिजनेस के बारे में बता रहा होता है कि तभी रूम के दूसरी तरफ एक गेस्ट उल्टी करने लगता है। विंस्टन बताता है कि कैसे यूएन रेगुलेशंस की वजह से उनका मुनाफा घट के महज 25% रह गया है
और उन्हें काफी बुरे दिन देखने पड़े। वो दोनों खुश हैं कि उन दिनों में भी वो एक दूसरे के साथ थे। अब डाइनिंग रूम की हवा में एक अलग सी सेंस ऑफ एंग्जाइटी फैल जाती है जो लोगों की बातचीत से साफ झलक रही है। फियर ऑफ सी सिकनेस साफ नजर आ रहा है। तीसरी डिश सर्व होती है। वेरा को भी अजीब फील होने लगता है। वो खाना निगल नहीं पा रही। वो शैंपेन की मदद से खाना बाहर ना निकालने की कोशिश करती है। हॉल में एक मेड कार्ट दीवार से टकराती है। स्टाफ सभी को इन्फॉर्म करता है कि सी सिकनेस में खाना खाने से बेहतर महसूस होता है। बर्तन बुरी तरह से हिलने लगते हैं। सभी गेस्ट को ऑक्टोपस टेंटिकल सर्व होते हैं और कैप्टन को बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। कुछ ही देर में बहुत सारे गेस्ट वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने नैपकिन्स में, प्लेट्स में, शैंपेन ग्लासेस में, वाइन बकेट में और टेबल के नीचे सभी जगह वॉमिट करने लगते हैं। वेरा को भी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। लगभग सभी गेस्ट डाइनिंग रूम से निकल जाते हैं। उन्हें उल्टी करने के लिए एक प्लास्टिक बैग स्टाफ प्रोवाइड करता है। एक आदमी चेस्ट पेन के चलते बेहोश हो जाता है। कैप्टन अपनी वाइन खत्म करके दूसरे की भी खत्म कर देता है। कैप्टन, डिमिट्री और कुछ स्टाफ छोड़ के सब बाहर चले जाते हैं। डिमिट्री कैप्टन के साथ जाके बैठ जाता है और एक जोक सुनाता है कि कम्युनिस्ट वो होता है जो मार्क्स और लेनिन को पढ़ता है और एंटी कम्युनिस्ट वो होता है जो मार्क्स और लेनिन को समझता है। ऐसे ही वो एक दूसरे को सटायर जोक सुनाते जाते हैं और फिर नशे में हंसते हंसते अपने फोन में कोर्स पढ़ने लगते हैं। चीज टेबल से गिर रही हैं। डिमिट्री दोनों के लिए वाइन पोर करता है। इधर उल्टी कर करके गेस्ट्स की हालत खराब है और ये दोनों कार्ड्स के साथ एक ड्रिंकिंग गेम स्टार्ट कर देते हैं। डिमिट्री खुद को ब्रिज में बंद कर लेता है और लाउड स्पीकर से खेलना शुरू कर देता है और कहता है शिप डूब रही है, ये एक इमरजेंसी कॉल है, मैं शॉप का नया ओनर हूं। कस्टमर्स पैनिक करना शुरू कर देते हैं। नशे में धुत थॉमस और डिमिट्री कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म पे बहस करना शुरू कर देते हैं, वो भी इंटरकॉम पे। बाकी गेस्ट लाइनअप होके हॉलवे में लाइफ जैकेट्स पहने बैठे हुए हैं। वेरा शिप के हिलते ही अपनी ही वॉमिट में स्लाइड होते हुए फ्लोर के दूसरी तरफ चली जाती है। इधर इंटरकॉम पे बातें सुनके पावला और डेरियस दरवाजा नॉक करते हैं पर दरवाजा लॉक्ड है। वो कैप्टन से दरवाजा खोलने को कहती है। वो दोनों से इग्नोर कर देते हैं। फिलिपिनो क्लीनिंग लेडीज का क्रू डाइनिंग रूम में पहुंच के वहां की सफाई शुरू करता है। जैसे ही हमें लगता है कि अब इनके साथ बहुत कुछ हो चुका है तभी वेरा के जरिए हमें पता चलता है वो लोग ना सिर्फ सी सिक हैं बल्कि उन्हें फूड पॉइजनिंग भी हो चुकी है और अब दे डेस्परेटली नीड टू टेक अ शिट। उनकी आंखों में पैनिक साफ नजर आ रहा है। प्लम्बिंग खराब होने की वजह से शिट और वॉमिट टॉयलेट ड्रेन्स और सिंक से बाहर निकल के हर तरफ फैल जाता है। वो नेचर और अपने बॉडीली इंपल्सिस को लेके इतने मजबूर हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। डिमिट्री और पावला दरवाजे के थ्रू एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं और फिर कैप्टन माइक्रोफोन पे वापस आके अपनी प्रीचिंग शुरू करता है। सडनली लाइट्स बंद हो जाती हैं। कैप्टन और डिमिट्री अपने फोन की टॉर्च जलाते हैं। कैप्टन उसे कुछ अपना लिखा सुनाता है और कहता है जब मैं 7 साल का था तब मैंने अपनी माँ को किचन में बुरी तरह रोते हुए देखा जब मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी। 2 महीने बाद बॉबी कैनेडी की मौत के बाद भी ऐसा ही हुआ। तब मुझे एक चीज पता नहीं थी जो आज पता है कि मार्टिन लूथर किंग, द कैनेडी ब्रदर्स और मेलकम एक्स को एक इनविजिबल थ्रेड जोड़ता है कि इन सभी केसेस में ट्रिगर पे मेरी गवर्नमेंट की उंगली थी। हमने दुनिया में ब्रिटेन के साथ मिलकर अच्छे सच्चे डेमोक्रेटिक लीडर्स को खत्म किया। वॉर अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो इसके पीछे के नुकसान के बारे में नहीं जानना चाहते। उनसे कुछ ही दूर मशीन गन्स लिए कुछ आदमी बोट पर सवार होते हैं। कैप्टन की अनाउंसमेंट पूरे सी में गूंज रही होती है। बोट पर सवार वो लोग असल में पायरेट्स होते हैं जो डेक पे ग्रेनेड फेंकते हैं। वो क्लेमेंटीन के पैर पे टच होता है और वो विंस्टन से पूछती है कि क्या ये भी हमारा है। तभी वो ग्रेनेड फटता है और यॉट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कुछ घंटे बाद सुबह हो गई है। यारमो बैठा है बगल में। याया बेहोशी जैसी हालत में पड़ी है। उसे थेरेस की आवाज सुनाई देती है। यारमो भाग के बीच पे जाता है। वहां डिमिट्री,
कार्ल और पाउला एक लाइफ बोट को ड्रैग करते हुए ला रहे हैं। थेरिस और नेल्सन उसमें बैठे हैं। दिमित्री का ध्यान नेल्सन पे जाता है क्योंकि उसे कोई नहीं जानता। नेल्सन झूठ बोलता है कि वो बोट के इंजन के रूम में काम करता है। डिमित्री को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कार्ल याया को ढूंढ लेता है और उसे ग्रुफ की तरफ ले जाता है। नेल्सन को लगता है कि डिमित्री उसे सिर्फ इसलिए पायरेट समझ रहा है क्योंकि वो एक ब्लैक है, पर वो वाकई है। और पाउला सिचुएशन को काम डाउन करती है, पर असल में वो भी उसे नहीं जानती। थेरिस की नजरें शायद उसके पति को ढूंढ रही हैं, जो अब उनके बीच नहीं है। यहां शुरू होता है फिल्म का पार्ट 3, द आइलैंड। ग्रुप अब एक इनफ्लैटेबल लाइफ राफ्ट में फंसा हुआ है जो पेड़ों से घिरा हुआ है। ग्रुप अंधेरा है, वहां रोशनी के नाम पे सिर्फ लाइफ राफ्ट और लाइफ वेस्ट पे अटैच लाइट्स जल रही हैं। सभी आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर भूख और प्यास इस चीज को और मुश्किल बना रही है। सभी को वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे किसी खूंखार जानवर की, और वो डर के मारे बीच की तरफ भागने लगते हैं और प्रे करना शुरू कर देते हैं। थेरिस बोट में अकेली रह जाती है। डर की वजह से उनमें से कोई बची हुई आखिरी फ्लेयर लाइट्स भी यूज कर लेता है। वो अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करना जारी रखते हैं। जैसे तैसे रात गुजरती है। कार्ल हड़बड़ाया हुआ उठता है। बगल में याया सोई हुई है। यार्मो चिल्लाता हुआ भाग रहा होता है और कार्ल याया को उठाता है। सभी चट्टानों की तरफ भागते हैं, जहां यॉट की एक कवर्ड ऑरेंज लाइफ बोट तैर कर वहां पहुंची है। उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बस रडर और प्रोपेलर गायब हैं। वो बोट लॉक्ड है। लाइफ बोट में मौजूद है फिलिपिनो क्लीनिंग लेडी एबिगेल, जो कार्ल और याया के रूम की सफाई करने गई थी। एबिगेल उन्हें आवाज देती है। पाउला उसे हैच खोलने को कहती है। पाउला चिप्स और पानी के सभी बॉक्सेस बाहर निकालने को कहती है। एबिगेल अपनी सप्लाईज उनसे अलग रखती है, पर सब अपना पानी खत्म कर देते हैं। तभी उन्हें थेरिस की आवाज सुनाई देती है। सब कुछ सेकंड फ्रीज होके शर्मिंदा फील करते हैं और थेरिस को भी वहां लाके उसे पानी और चिप्स देते हैं। सभी एबिगेल को ऑक्टोपस पकड़ते देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। एबिगेल आग जलाने को कहती है और उनमें से किसी को आग जलाना नहीं आता। एबिगेल फिर ऑक्टोपस को साफ करने को कहती है, पर किसी को ऑक्टोपस साफ करना भी नहीं आता। सब एक दूसरे को घूरते रहते हैं। शाम ढलती है और सभी कैंप फायर के इर्द गिर्द बैठे होते हैं। वो एबिगेल को ऑक्टोपस पकाते देख उसे स्टडी करते हैं। भूख के बावजूद किसी में कोई अलगाव नहीं होता, तब तक नहीं होता जब तक ऑक्टोपस के पोर्शंस बंटने की बारी नहीं आती। एबिगेल आधा उन सबके लिए रखती है और आधा सिर्फ अपने लिए। पाउला उससे पूछती है कि उसने इतना सारा अपने लिए क्यों रखा। तो एबिगेल जवाब देती है कि मैंने मछली पकड़ी, मैंने आग जलाई, मैंने खाना पकाया, तुमने कुछ नहीं किया। सब अपना छोटा मोटा काम गिनवाते हैं, पर एबिगेल के लिए ये काफी नहीं है। उन्हें लेजी और एबिगेल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पाउला के अकॉर्डिंग यॉट पे काम करने की वजह से सभी गेस्ट की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसकी है और उसे वही करना होगा जो पाउला कहती है। एबिगेल पूछती है कि अब यहां कोई यॉट नहीं है। डिमिट्री भी उसे लालच देने की कोशिश करता है, पर एबिगेल नहीं सुनती। पाउला के इंसिस्ट करने पर एबिगेल पाउला को धमकाती है। एबिगेल एक चीज क्लियर कर देती है कि वो टॉयलेट मैनेजर सिर्फ यॉट पे है, यहां वो कैप्टन है। सभी एक एक करके उसे कैप्टन एक्सेप्ट करते हैं और वो सबको ऑक्टोपस का एक एक पीस और दे देती है। डिमित्री भी कहता है हमें एज अ टीम काम करना होगा। एबिगेल एक सजेशन देती है कि सभी आदमी बाहर रह के आग बुझने ना दें और थेरिस का ध्यान रखें। पाउला और याया उसके साथ बोट में सोएंगे। सभी को वही खतरनाक आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। डिमित्री और यार्मो बोट की खिड़की से अपनी रोलेक्स वॉचेस देकर उससे ट्रेड करने को कहते हैं। कार्ल, नेल्सन और थेरिस बाहर बैठे होते हैं और कार्ल देखता है कि एबिगेल अपना बैग भूल गई है। कार्ल कुछ देर उसे देख के उसे खोलता है और उसमें प्रेटजल्स होते हैं। वो बैग वापस रखता है, पर उसे बेचैनी होने लगती है। वो बाकी दोनों को भी ये बात बताता है। कुछ हेजिटेट करने के बाद वो बॉक्स के टॉप कॉर्नर में एक होल करके दो छोटे प्रेटजल स्टिक निकालता है। थेरिस उन्हें इशारा करती है, वो एक उसे भी दे देते हैं। अगली सुबह डिमित्री बीच पर बैठा रो रहा होता है। उसकी बाहों में वेरा की लाश है।
वो मौन करते करते भी उसकी उंगली से डायमंड रिंग और गले से डायमंड नेकलेस निकाल के अपने शूज में डाल लेता है। इधर आग बुझ चुकी है और एक कमांडर की तरह एबिगेल कार्ल और नेल्सन के सामने खड़ी है। वो कहते हैं कि उनसे गलती हो गई, पर अब आग बुझने की वजह से एबिगेल को फिशिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। उसे अपना बैकपैक याद आता है और वो देखती है कि एक प्रेटजल का पैकेट गायब है, पर नेल्सन और कार्ल चोरी से इनकार करते हैं। एबिगेल वहां आधा जला एम्प्टी बॉक्स उठाती है और नाना करते हुए भी उन्हें गिल्टी फील करवा ही देती है। पावला के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने ना तो अपनी जॉब सही की बल्कि सभी से झूठ भी बोला। सब सुन के कार्ल अपने डिफेंस में बोलने लगता है और याया कहती है एबिगेल की तरफ उंगली मत करो। एबिगेल उसके लिए खाना लाने से मना कर देती है क्योंकि वो ज्यादा ही अग्रेसिव है। याया कहती है अब खुद को डिफेंड मत करो, इससे एबिगेल को परेशानी हो रही है। कार्ल जब परेशान होकर शिप रैक में खाना ढूंढ रहा होता है तब उसे वो कलोन मिलता है जिसके लिए उसने सालों पहले मॉडलिंग की थी। रात को एबिगेल ग्रुप के लिए काफी सारी मछलियां पकड़ती है और याया और पावला के साथ उन्हें लेके सबके पास आती है। कैंपफायर के इर्द गिर्द सभी खाना खा रहे होते हैं सिवाय नेल्सन और कार्ल के, जो अपनी सजा भुगत रहे हैं और खाली पेट ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें भी कुछ मिलेगा। याया कार्ल को देख के गिल्टी फील करती है, पर अचानक उसका ध्यान एक अजीब चीज पे जाता है। कार्ल उसे नहीं बल्कि एबिगेल को देख रहा होता है। उसके एक्सप्रेशन से वो समझ जाती है कि वो एबिगेल की अटेंशन हासिल करना चाहता है। वो उसे कुछ इशारा करता है, एबिगेल स्माइल करके रिस्पॉन्ड करती है। याया का अब खाने से ध्यान हट चुका है। दोनों कुछ देर और अपनी आंखों और जेस्चर्स के थ्रू फ्लर्ट करना जारी रखते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और याया ये सब देख रही है। याया उठती है और कुछ देर कार्ल को देखकर किनारे की तरफ चली जाती है। कार्ल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। एबिगेल फिश का एक टुकड़ा पाम लीफ में डाल के लाइफ बोट में जा रही होती है और पावला को फायर वॉच करने का इंचार्ज बनाती है, और भूखे होने की वजह से कार्ल को अपने साथ लाइफ बोट में सोने के लिए कहती है। नेल्सन भी चलने के लिए पूछता है पर एबिगेल सिर्फ कार्ल को ले जाने के लिए कहती है। कार्ल एम्बेरेस्ड होके उसे ज्वाइन करता है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। याया अपसेट होके अकेली बैठी होती है। कार्ल उसके पास प्रेटजल का एक बैग लेके जाता है। वो गुस्से में होती है पर उससे प्रेटजल ले लेती है। कार्ल उसे बात का बतंगड़ बनाने से मना करता है। याया जानती है कि लाइफ बोट में क्या होने वाला है, पर कार्ल मासूम बनके ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि एबिगेल ने उसे ही क्यों बुलाया है। एबिगेल लाइफ बोट से विसल करके कार्ल को बुलाती है। वो प्रेटजल का पैक वापस मांगता है पर याया मना करते हुए कहती है तुम उसके ईगो को ऊपर रखो, उसके जोक्स पे हंसो, एक दायरा बनाओ और इसमें कुछ भी सेक्सुअल नहीं होना चाहिए और ना ही किसिंग। कार्ल उसकी कंडीशन से अग्री करता है। दोबारा एबिगेल की विसिल की आवाज आती है। कार्ल जाता है और याया अंधेरे में अकेली रोने लगती है। याया कार्ल से सुबह से ठीक से बात नहीं करती। इसके बाद एक कोलाज चलता है जिसमें कार्ल को बार बार एबिगेल के साथ रात बिताने के बाद लाइफ बोट से निकलते हुए दिखाया जाता है। मौसम बदलते रहते हैं और कार्ल याया के लिए कुछ एक्स्ट्रा खाना लाता रहता है और वक्त के साथ साथ वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। ये कोलाज बीच बीच में कुछ डिस्कशंस के साथ कट होता है। यार्मो, नेल्सन और डिमिट्री के साथ, और डिमिट्री साथ बैठकर विसिल बजा के कार्ल का मजाक उड़ाते हैं। कार्ल यार्मो से विसिल छीन लेता है। नेल्सन, डिमिट्री और यार्मो शिकार के लिए झाड़ियों में खड़े होते हैं। उन्हें फिर वही आवाज आती है। नेल्सन डर के वापस आ जाता है। यार्मो हिम्मत करके नेल्सन से नुकीला हथियार लेता है और उसे फेंक कर एक बड़ा पत्थर लेके वहां जाता है। वो उस चीज पे हमला करके उसे ढेर कर देता है और हम देखते हैं कि वो जानवर एक गधा होता है जो फिलहाल मरा नहीं है। यार्मो उसके सर पे कुछ और हमले करके उस गधे को मार देता है। रात को सभी कैंप फायर के इर्द गिर्द जमा होते हैं और यार्मो के एफर्ट की सराहना करते हैं। वो एक ड्रामेटिक स्पीच देता है और उसने रॉक पे एक डोंकी का स्केच बनाया हुआ है। यार्मो की स्पीच चल रही होती है। कार्ल एबिगेल को एक्नॉलेज करना चाहता है पर याया की मौजूदगी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। कार्ल का एक हाथ एबिगेल की थाइस पर होता है। याया ये देख के पूछ लेती है कि कार्ल तुम क्या कर रहे हो। वो शांति से जवाब देता है मेरा हाथ तो बस चेयर पर रेस्ट कर रहा है।
कार्ल और एबिगेल लाइफ बोट में एक मॉस्किटो नेट के अंदर लेटे होते हैं एंड दे आर हैविंग सेक्स। कार्ल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। एबिगेल कहती है कि अगर अब तुमसे ये नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। दरअसल वो उन दोनों पर बाकी लोगों की सोच को लेके और इस ताका झाकी से परेशान है क्योंकि वो इससे खुश नहीं है। एबिगेल सबको सच्चाई बताने को कहती है पर कार्ल उसके लिए भी मना करता है कि वो खाने के बदले उससे सेक्सुअल फेवर देता है। एबिगेल उसकी बातें सुनके उसे समझाती है कि यहां सभी मेरी वजह से जिंदा हैं, मेरी मेहनत की वजह से, तो क्या मुझे इसका एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। कार्ल अग्री करता है पर दिक्कत यह है कि वो कपल नहीं है। शायद अब उन्हें पब्लिकली हाथ पकड़ना या किस करना शुरू कर देना चाहिए ताकि ये सब ऑकवर्ड ना लगे। याया से मैं बात कर लूंगा, एक अडल्ट के तौर पर उसे भी ये समझना होगा। एबिगेल ये फैसला उस पर छोड़ देती है कि उसे याया से ब्रेकअप करना है या नहीं। कार्ल के मुताबिक एबिगेल के लिए ये सिनारियो बिल्कुल परफेक्ट है। वो यहां किसी रूल की मोहताज नहीं है। वो जानना चाहता है कि ये चीजें आखिर कहां जाएंगी। मैं अब किसी को परेशान करना नहीं चाहता। एबिगेल उसे उसकी फर्स्ट नाइट वाली बात याद दिलाती है और कहती है लेट्स हैव फन। अगली सुबह नेल्सन डिमिट्री की बियर्ड शेव करता है। डिमिट्री फिर से पूछता है नेल्सन तुम एक पायलट हो ना। नेल्सन परेशान होकर बोलता है कि अगर होता तो तुम्हें क्या जानना है। वो पायलट की एक अटैक की कमाई के बारे में बात करते हैं और फिर लास्ट में दोनों हंसने लगते हैं। हैच पे एक तेज आवाज एबिगेल और कार्ल को जगाती है। कार्ल उठता है, शटर पर देखता है कि याया उसका इंतजार कर रही है। याया बैकपैक मांगती है, वो हाइक पे जाना चाहती है ताकि उसे कुछ मिल सके। एबिगेल उसके साथ जाने को कहती है क्योंकि अकेले जाना उसके लिए सही नहीं है। कार्ल चलने के लिए पूछता है, एबिगेल मना करती है क्योंकि उसे याया के साथ अकेले में कुछ टाइम बिताना है। याया घनी झाड़ियों में मैशेट के जरिए रास्ता बनाते हुए चलती है। एबिगेल कुछ कदम पीछे है। एबिगेल खुश है कि वो दोनों साथ में हैं। याया भी थैंकफुल है क्योंकि एबिगेल ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। वो इंप्रेस्ड है कि कैसे उसने सभी ओल्ड अल्फा मेल्स को डोमेस्टिकेटेड कर दिया। वो दोनों एक काफी ऊंची माउंटेन पीक पर पहुंचते हैं। एबिगेल काफी थकी हुई नजर आती है। क्लाइंबिंग की बात करें तो याया एबिगेल से काफी तेज है। थेरिस लाइफ बोट में अकेली होती है। वो सबको ढूंढ रही होती है। अचानक उसको अपनी तरफ कुछ आता हुआ नजर आता है। वो आवाज देती है, ये एक बीच वेंडर होता है जो बैग्स, सनग्लासेस, पनामा हैट जैसी चीजें बेच रहा है। वो उसे देख के एक्साइटेड हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वेंडर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उसका हाथ पकड़ती है और वेंडर पीछे हट जाता है। वो अपना सामान लेके वहां से चला जाता है। याया और एबिगेल धीरे धीरे एक ब्रशी स्टीप हिल साइड पर पहुंचते हैं जो ओशन के करीब है। वो दोनों बुरी तरह थक चुके हैं। याया एबिगेल को जोर जोर से आवाज देकर बुलाती है। उसने कुछ देखा है। उसकी आवाज तेज होती है। यहां एक एलिवेटर है और ये एक रिजॉर्ट है। वहां बड़ी स्टील एलिवेटर और 10-12 सन चेयर्स होती हैं। एबिगेल को यह सब सुन के बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो दोनों खुशी के मारे गले लगते हैं। हालांकि एबिगेल उतनी खुश है नहीं, वो बस दिखावा कर रही है। वो वहीं बैठ जाती है और याया को भी साथ बैठकर ये मोमेंट एंजॉय करने को कहती है। याया उसे गले लगाती है। वो स्माइल करती है और एबिगेल का दिमाग ये सोचकर खराब होने लगता है कि उसके लिए चीजें कितनी जल्दी बदल सकती हैं। यहां याया की स्माइल हमें क्रूज की स्माइल की याद दिलाती है। इट वॉज अ स्माइल ऑफ कंपैशनेट सुपीरियोरिटी। एलिवेटर ओपन होती है। याया चलने को कहती है पर एबिगेल हैज टू पी। वो कुछ रॉक्स के पीछे जाती है। याया वहीं बैठकर उसका वेट करती है। एबिगेल वहां से उठ के एक बड़ा पत्थर उठाती है और याया की तरफ बढ़ती है। वो उससे कुछ ही मीटर दूर होती है और उसे मारने के लिए वो पत्थर ऊपर उठाती है कि तभी याया बोलना शुरू करती है। वो बिना पीछे मुड़े कहती है, एबिगेल मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। हम एबिगेल की आंखों में वो गुस्सा देख सकते हैं। याया कहती है, एबिगेल तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। सीन कट होता है और हम कार्ल को जंगल में भागते हुए देखते हैं और फिल्म इसी मोड़ पर खत्म हो जाती है।